नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में 18 अक्टूबर न्यूजीलैंड की टीम और अफगानिस्तान की टीम सामने थी। दोनों के बीच में जब मुकाबला शुरू होने वाला था तो सभी को ये उम्मीद थी कि अफगानिस्तान वही कारनामा करेगी जो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने किया था, यानी कि एक और उलट फेर करेगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। हालांकि अफगानिस्तान की इस हार को देखे तो इसके जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही थी, 110 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, नबी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, दूसरे छोर पर राशिद भी विकेट ले रहे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके बाद से जो न्यूजीलैंड की पारी है वो आगे ही बढ़ती चली गई। 110 पे 4 था, वहां से स्कोर 290 के करीब पहुंच गया, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही वो एक तो खराब फील्डिंग रही, 4 कैच छोड़े, एक स्टंपिंग का चांस छोड़ा, और वो भी किसका, इनफॉर्म बल्लेबाजों का, लातम का, फिलिप्स का। अगर आप इनके कैचेस और स्टंपिंग छोड़ेंगे तो ये आपको वापसी का मौका नहीं देंगे। तो इस मैच का, अफगानिस्तान के खिलाफ जो ये मैच चल रहा था न्यूजीलैंड का, अफगानिस्तान के लिए मैच का मुजरिम कौन रहा, क्योंकि फील्डिंग तो खराब रही है, कैच भी छूटे हैं, स्टंपिंग भी छूटी है, लेकिन जो मैच के मुजरिम है वो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान है शाहिदी। वो क्योंकि पहली बात, जो कैच भी उनसे दो कैच छूटे हैं, उन्होंने दो कैच छोड़े हैं, इसके अलावा जो खराब कप्तानी करी है, जो खराब बल्लेबाजी करी है, सारे का सारा खराब दिन उनका रहा है। ना वो फील्डिंग में अच्छा कर पाए, ना वो कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, और ना ही जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो भी 29 गेंद पे केवल 8 रन बनाकर अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। तो इस मैच के, हमारे लिए इस मैच का जो मुजरिम है वो रहे कौन, जो कप्तान है अफगानिस्तान के, शाहिदी। वहीं अगर न्यूजीलैंड की पारी की बात करें तो बेहद शानदार तरीके से उन्हें वापसी करी है। विलियंग ने 54 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद टॉम लातन और फिलिप्स, इन दोनों ने ना केवल अर्धशतक लगाया बल्कि पारी को संवारा भी, और अंत में चैपमैन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत जो स्कोर है वो 290 के करीब पहुंचा दिया। स्कोर बड़ा था, चेन्नई की पिच थी, गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। गुरबाज जल्दी आउट हो गए, और जब गुरबाज आउट हुए तो उसके बाद तो विकेट पतझड़ शुरू हो गया, जो कि अंत तक रुका ही नहीं, और अफगानिस्तान की टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। अब अफगानिस्तान की टीम को ये बात समझनी होगी कि उन्हें लगातार बड़ी टीमों के खिलाफ जीतना है तो उन्हें छोटे छोटे पल नहीं जीतने होंगे, उन्हें लगातार 50 ओवर अच्छी फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ कंडीशंस आपको मदद कर रही थी, और इंग्लैंड का जो बल्लेबाज है वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। यहाँ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और मैच है वो जो दूर जा रहा था वापस अपनी तरफ खींच लिया। तो अब अफगानिस्तान की हार के बारे में आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस हार का असली मुजरिम कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।